हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है शादी में, में ज़रूर आना जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है डू अटेंड द वेडिंग तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके देने वाला हूँ उसका ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी साथ ही मैं इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का सत्रह की बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहां पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश बिसवानी ने वहीं पर एडिटिंग की हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एट आर को परव मुखर्जी जैन से एमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफ और मूवीज़ इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर है कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ जो है जो आरती की सिस्टर है मनोज पाहवा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका आमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगु वंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक तो फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहां पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब शीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खनू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक हरबंदा को दिया गया था फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च दो में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिजाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइड से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016 17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरकोने ने म्यूजिक दिया हुआ था आरकोने ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं हूँ साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया होता जेन जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देस है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पूरी ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशित त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूजिक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांसा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पर रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में, में सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स सकीलाज़ आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जेमेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इन मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोहित जैन नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पर ऑफिशियल म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार पूरी

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन 13 करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रॉसर साबित हुई थी लेकिन जब ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओ टी टी राइट सी फाइफ के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फ़िल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तो देखने, देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे शादी में जरूर आना यानी

और शोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को परवो मुखर्जी जैन से एमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे हुए थे वहीं पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पे कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगु भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सरवन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहां पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद में इस रोल को खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिजाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइड से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरकोने ने म्यूजिक दिया हुआ था आरकोने ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं हूँ सात तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुट्टू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया होता था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देस है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पूरी ने क्रिएट किया हुआ है तो बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूजिक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकंशा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स सकीलाज़ में कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जेमेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिसकोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्ज़न को सबका तमन्नाली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोहित जैन नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियल जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकेंड हाफ में उनका एक किरदार से टर्न ओवर होता है उसमें वो जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं वो आपको पसंद आएगी फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी वहीं पर सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नजर आती है अलग अलग लोकेशन को अच्छी तरह से शोकिज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते हैं सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज़ डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन 13 करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए थे यानि कि ओ टी राइट सी फाइव के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे शादी में जरूर आना यानी कि अटेंड द वेडिंग ये एक सत्रह की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म सिनेमेटो की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए सुरेश बिसवानी ने वहीं पे एडिटिंग की हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्द होंगे वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को मुखर्जी जेन से और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स से वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहां पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ जो है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की मां थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक फिल्म को लेकर आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृतिक खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब शीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसे खनु को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक हरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च दो में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नैनी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिजाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइड से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016 17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरकोने ने म्यूजिक दिया हुआ था आरकोने ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देस है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिलपुर ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकिल अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशित त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आर को नहीं दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में सात तेरे का जो रिप्राइज वर्ज़न है उसके लिरिक्स श केकेलाजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बन की जिसके रिप्राइज वर्ज़न में और दूसरा एक आशीस वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल आजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमाना अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इन मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोई जैन देना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार से ओवर होता है उसमें वो से काफी बढ़िया नजर आती है अलग अलग को अच्छी सोकिस किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन 13 करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे 20 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रॉसर साबित हुई थी लेकिन जब ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि तो ओ टी टी राइट सी के पास है वहीं पे सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में ज़रूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में ज़रूर आना फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शादी में ज़रूर आना यानी कि टू अटेंट द वेडिंग ये एक 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को परव मुखर्जी जैन सेमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और अभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के जे के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की मां थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगु भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन्ट का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक तो फिल्म को लेकर आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में जरूर आना जहाँ पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद में इस रोल को कृति खरबंदा को दिया गया था फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रिक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज़ अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना था पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशित त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूज़िक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आरको नहीं दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो कंसा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफ़क़त अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू साथ तेरे का जो रिप्राइज वर्ज़न है उसके लिरिक्स सकीलाज़ आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बने रस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक आशीस वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइस वर्जन को सबका तमन्नाली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोई जैन दे नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह इसको यूट्यूब पे ऑफिशियल इजी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार पूरी तरह से टर्न ओवर होता है उसमें वो जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं वो आपको पसंद आएगी फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी वहीं पर सिनेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है अलग अलग लोकेशन को अच्छी तरह से शोकिज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते हैं सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओ टी टी राइट सी फाइव के पास है वहीं पे सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म सी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वजन देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे शादी में ज़रूर आना यानी कि डू अटेंड द वेडिंग ये एक दो हजार सत्रह की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम हम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म सिनेमेटो की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को परवो मुखर्जी जैन सेमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगु वंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कोई फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहां पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब शीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खनु को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक हरबंदा को दिया गया था फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च दो में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि आम्बेडकर मेमोरी पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था उपाधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे ख़र्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सिक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रिक काफ़ी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगे जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स से वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया होता जेन जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देश है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तो बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूज़िक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांसा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स श केके कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इंक... मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्ज़न गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवां गाना था रोहित जैन नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियल इजी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इंजॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओ टी टी राइट सी के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फ़िल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर तो इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे शादी में जरूर आना यानी कि डो अटेंड द वेडिंग ये एक 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहां पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पर एडिटिंग की हुए, हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आरको परवो मुखर्जी जैन से और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पे कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्रा के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के जे के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की मां थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगु भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में शतु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोग का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक्ट तो फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में जरूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद में इस रोल को खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइड से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरकोने ने म्यूजिक दिया हुआ था आरकोने ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन से रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देस है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तो बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आसिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूजिक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में, में सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स शिकल आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायाना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बन की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिस वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहा रिप्राइज वर्जन को सबका अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोहित जैन देना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पर ऑफिशियल म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन 13 करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रॉसर साबित हुई थी लेकिन जब ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में जरूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए थे यानी कि ओ टी टी राइट सी के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में ज़रूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिस सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा सिनेमाचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में ज़रूर आना फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शादी में ज़रूर आना यानी कि था ये एक 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म को किया हुआ है ने। वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और शोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पर एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था ये इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जेम एट आरको पर मुखर्जी जैन से एमजराइज़ और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यू ए फॉर मूवीज़ इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। वहीं पर खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगु भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक तो फिल्म को लेकर आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृतिक खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब शीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसे खनु को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक हरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च दो में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था उपाधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं हूं साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक देव था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स से वो लिखे हुए थे रोहस ने म्यूजिक दिया होता जेन जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देश है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आर को नहीं दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांसा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में, में साथ तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स शिकल आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बन की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक अशीस वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्ज़न को सबका तमाना अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इन मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनन्द राजनंद आनन ने बारहवा गाना था रोई जैन देना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकेंड हाफ में उनका एक किरदार से टर्न ओवर होता है उसमें वो जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं वो आपको पसंद आएगी फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी वहीं पर सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नजर आती है अलग अलग लोकेशन को अच्छी तरह से शोकिज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हजार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फ़िल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फ़िल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओटीटी राइट्स टी राइट सी फाइव के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब विद सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे शादी में जरूर आना यानी कि अटेंड द वेडिंग ये एक 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश बिसवानी ने वहीं पे एडिटिंग की हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आरको परव मुखर्जी जैन से एमजराइज़ और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पे कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्रा के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पाहवा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के जे के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी को को भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म एस, में सत्तू के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनत गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म प्रियंक में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कोई तो फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद में इस रोल को कृति खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नैनी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था उपाधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिजाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016 17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था जे एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना था पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देस है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिलपुर ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आसिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूज़िक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पर रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स श केकेलाजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमाना अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्ज़न गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूज़िक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारवा गाना था रोहित जैन देना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इंजॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार अलग अलग लोकेशंस को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं टर्स देखने को मिलते हैं सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के पर अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन 13 करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए थे यानी कि ओ टी राइट सी के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का I don't know. सेटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में ज़रूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में ज़रूर आना फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शादी में ज़रूर आना यानी कि दो हजार 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को परवो मुखर्जी जैन सेमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोग का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन्ट का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कोई तो फिल्म को लेकर आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में जरूर आना जहाँ पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसे पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफ़र करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का, का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सी को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज़ अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला वर के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना था पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोहस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया क् हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकिल अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशित त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आरको नहीं दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स सकीलाज़ में आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूज़िक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असीस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमन्नाताली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोई जयंदे नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पे ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की, 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 की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी के अवेलेबल हुई तब काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओटीटी राइट्स टी सी फाई के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का

और शोहम हम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो की हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग की हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था ए, इस फिल्म के जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को पर वो मुखर्जी जैन सेमजराइज और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यू मूवीज इंडिया और जी फाई ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ जो है जो आरती की सिस्टर है मनोज पावा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगु वंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वंट का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक तो फिल्म को लेकर आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में जरूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेश होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे ख़र्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सिक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रिक काफ़ी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज़ अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर वर्जन मिला और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगे जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूज़िक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं मेहू सात तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया होता जेन जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देश है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल या ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशि त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूजिक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्जन है वो सफकत अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स श केके कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जेमेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बनरस की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असी स्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमन्नाली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्ज़न गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोई जैन नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियल इजी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार पूरी

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फ़िल्म ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानी कि ओटीटी टी टी राइट सी फाइफ के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फ़िल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का

और सोहम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म सिनेमेटो की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश बिसवानी ने वहीं पे एडिटिंग की हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है प्रसाद सास्ते ने वहीं पे पर होंगे वो आनंद राज आनंद जे एम एट आर को पर्व मुखर्जी जैन से और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स से वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यूएफओ मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहां पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहीं पर कृति खरबंदा, पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभा शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ जो है जो आरती की सिस्टर है मनोज पाहवा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए के जे के मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमीन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पे इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगू भारीगु वंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में शत्रु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभाग के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी को एक्ट तो फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में जरूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और कृति खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृति खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब सीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खन्नू को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद में इस रोल को कृति खरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च 2017 में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नई नई और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का, का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिज़ाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग क्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रेक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने हैं उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था मैं हूँ सात तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था जे एट यानी कि कौशिक आकाश और कुड्डू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स है वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देसाई जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशित त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूज़िक आर को नहीं दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांसा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पे रिप्राइज वर्ज़न है वो सफक़त अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में मेहू साथ तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स शिकल आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जेमेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बन की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असिस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमाना अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इनका मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्जन गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारहवा गाना था रोई जैन देना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पर ऑफिशियल म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफ़ी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकेंड हाफ में उनका एक किरदार तरह से टर्न ओवर होता है उसमें वो जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं वो आपको पसंद आएगी फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी वहीं पर सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नजर आती है अलग अलग लोकेशंस को अच्छी तरह से शोकिज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर दोनों में लाजवाब काम देखने को मिलता है जो फिल्म के फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से जाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और बेहतर करता है फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते हैं सस्पेंस ड्रामा और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यू सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए थे यानी कि ओटीटी टी टी सी फाइव के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में ज़रूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से शादी में ज़रूर आना फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शादी में ज़रूर आना यानी कि डू अटेंड द वेडिंग ये एक 2017 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया गया था और हिंदी में ही रिलीज किया गया था इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रत्ना सिंह ने वहीं पे फिल्म को लिखा हुआ है कमल पांडे ने जहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीजें कमल पांडे ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सौंदर्य प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो किए हुए सुरेश विश्वानी ने वहीं पे एडिटिंग किए हुए बल्लू सलूजा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे और सत्रह मिनट का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था ये इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ प्रसाद सास्ते ने वहीं पे सॉन्ग है वो आनंद राज आनंद जेम एट आरको वो मुखर्जी जैन से एमजराइज़ और राशिद खान ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो जी म्यूज़िक कंपनी के पास है जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था यू ए फो मूवीज इंडिया और जी फाइव ने मिलकर तो दो लोगों ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है उसमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव जिन्होंने सत्येंद्र मिश्रा आई का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर है वहीं पे कृति खरबंदा पीसीएस ऑफिसर एसएसपी आरती शुक्ला के रोल में दिखाई देंगी नवनी पारिहार ने इस फिल्म में मंजू शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती की माँ है गोविंद नामदेव ने इस फिल्म में श्याम सुंदर एस एस शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो आरती के फादर थे नाइनी दीक्षिता ने इस फिल्म में अभाल शुक्ला का रोल प्ले किया हुआ जो है जो आरती की सिस्टर है मनोज पाहवा को जोगी सिन्हा का रोल दिया गया था जो आरती और आभा के मामा है इसके अलावा के के रायना ने इस फिल्म में प्रोफेसर जुगल किशोर का रोल प्ले किया हुआ है ए जे के जेके मिश्रा का जो सत्तू के फादर थे अलका अमिन को इस फिल्म में शांति मिश्रा का रोल दिया गया था जो सत्तू की माँ थी वहीं पर इस फिल्म में विपिन शर्मा देखने को मिलेंगे जो महेश कुमार का रोल प्ले कर रहे हैं जो सत्तू के मामा थे अभिजीत सिंह ने इस फिल्म में रंजन सिन्हा का रोल प्ले किया हुआ था जो जोगी के बेटे आरती और आभा के कजिन ब्रदर थे वहीं पे इसके अलावा नेहा डी भारीगु भारीगुवंशी ने इस फिल्म में नीलम गुप्ता कुकरेजा का रोल प्ले किया हुआ है जो कुकरेजा की वाइफ है और आरती की कलीग है आशीष कपूर को इस फिल्म में बिल्डर कुकरेजा का रोल दिया गया था जो नीलम के हस्बैंड थे वहीं पे महेश चंद्र देवा ने इस फिल्म में राजेश यादव लैंड ब्रोकर का रोल प्ले किया हुआ है राकेश दुबे आपको इस फिल्म में सत्तु के पीएस पीएसओ के रोल में दिखाई देंगे सनद गौर ने इस फिल्म में महेश के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है करण वे शर्मा आपको शरद शुक्ला के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने आभा के हस्बैंड और आरती के ब्रदर इन लोगों का रोल प्ले किया हुआ है जो सत्येंद्र के द्वारा मारा जाता है इसके अलावा विवेक यादव जिन्होंने बाइकर बॉय का रोल प्ले किया हुआ है अशोक कुमार ने सत्तू के ऑफिशियल बंगलो सर्वन का रोल प्ले किया हुआ था जो एक उसका बेस्ट फ्रेंड भी था अजितेश ने इस फिल्म में अजितेश गुप्ता है वो इस फिल्म में प्रियंका प्रियांश गुप्ता के और सॉरी प्रियांश यादव के रोल में दिखाई देंगे जो सत्तू के बेस्ट फ्रेंड थे के फ्रेंड थे तो इस तरह से फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कोई तो फिल्म को लेके आने वाले जिसका टाइटल होने वाला है शादी में ज़रूर आना जहां पे फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव और खरबंदा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया गया था कि जो आरती शुक्ला वाला किरदार है जिसके लिए पहली चॉइस फिल्म मेकर रत्ना सिंह की थी तापसी पन्नू यानी कि जो कृतिक खरबा ने रो कृति खरबंदा ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो पहले तापसी पन्नू को ऑफर किया जाने वाला था लेकिन फाइनल जब शीटिंग हुई थी जहाँ पे तापसी खनों को पन्नू को ऑफर करने के बाद इस फिल्म में उनकी जो टाइमिंग से सही नहीं बैठ रही थी दूसरी फिल्मों के साथ तो डेट क्लेस होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उसके बाद में इस रोल को कृतिक हरबंदा को दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी शादी में जरूर आना कि वो मार्च दो में अलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को हनुमान मंदिर सिविल लाइन से स्टार्ट किया हुआ था अलाहाबाद में इसके बाद में लोड करजन ब्रिज के पास में नैनी और ब्यूटीफुल साइट ऑफ दी त्रिवेणी संगम साइड में भी इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म को लखनऊ में करीबन तीस दिन के शेड्यूल में शूट किया हुआ था और फिल्म का फाइनल शेड्यूल कानपुर में सेट किया हुआ था इस फिल्म में लखनऊ के कुछ फेमस साइड जगह जैसे कि अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी दिखाया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में करीबन लखनऊ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम था अधिकारी ने किया हुआ था अधिकारी ने उन्होंने इस फिल्म में करीबन दो करोड़ तक का वहाँ पे खर्चा किया हुआ था सेट डिजाइनर साबिब हसन इस फिल्म में देखने को मिले थे जिन्होंने वेडिंग सीक्वेंस को पूरी तरह से क्लाइमेक्स में तैयार किया हुआ था इस फिल्म के जो साउंड ट्रिक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइड से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म का साउंड ट्रिक काफी बड़ा है करीबन चवालीस मिनट बत्तीस सेकंड के आसपास का है इस फिल्म के जो गाने उसको कंपोज अलग अलग सिंगर्स ने किया हुआ है सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ है फिल्म में टोटल करीबन बारह गाने थे रिप्राइज वर्जन और ओरिजिनल वर्जन मिला के और ये सभी गानों को 2016-17 में रिकॉर्ड किया गया था और 24 अक्टूबर 2017 का तक यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में पहला गाना है जोगी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरको ने म्यूजिक दिया हुआ था आरको ने सिंगर थे याजर देसाई और आकांक्षा शर्मा दूसरा गाना था हूँ साथ तेरे जिसके लिरिक्स शकील अजमी और कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जे एम एट यानी कि कौशिक आकाश और कुट्टू ने सिंगर थे अरिजीत सिंह तीसरा गाना पल्लू लटके जिसके लिरिक्स से वो कुमार ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स से वो लिखे हुए थे रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था जैन सेम रईस ने और सिंगर थे ज्योतिका तागरी और यासार देश है जिन्होंने जिसमें रेप वर्जन है फाजिल पुरिया ने क्रिएट किया हुआ है तू बन जा गली बनारस की उस गाने को लिखा हुआ है शकील अजमी ने म्यूजिक दिया हुआ है राशिद खान ने और सिंगर थे आशिद त्रिपाठी पांचवा गाना था मेरा इंतकाम देखेगी जिसके लिरिक्स गौरव कृष्णा बंसल ने लिखे हुए थे म्यूज़िक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ है और गाया हुआ है कृष्णा बेउरा ने वहीं पे छठा गाना था जोगी फीमेल वर्जन और एक जोगी रिप्राइज वर्जन भी था जहाँ पे दोनों वर्जन के लिरिक्स और म्यूजिक आरकोन ही दिया हुआ है लेकिन जो फीमेल वर्जन का गाना है वो आकांक्षा शर्मा ने गाया हुआ था वहीं पर रिप्राइज वर्जन है वो सफक़त अमानत अली ने गाया हुआ था और इसके बाद में, में सात तेरे का जो रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स शिकल आजमी कुणाल वर्मा ने लिखे हुए थे और म्यूजिक जे मेट नहीं दिया हुआ था लेकिन शिवानगी पायना के पास उसको गवाया हुआ था तो बने गली बन की जिसके रिप्राइज वर्जन में और दूसरा एक असीस्कोर वाला वर्जन था तो वो ये दो वर्जन थे जिसके लिरिक्स और लिरिक्स लिखे थे साकिल अजमी ने और म्यूजिक दिया हुआ था राशिद खान ने जहाँ पे रिप्राइज वर्जन को सबका तमन्नात अली ने गाया हुआ था और दूसरा वर्जन था उसको आशीष कौर ने गाया हुआ था मैं तेरा इन मेरा इंतकाम देखेगी करके जो गाना था उसका रिप्राइज वर्ज़न गौरव कृष्णा बंसल ने लिखा हुआ था म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिया हुआ था लेकिन उसको गाया हुआ था आनंद राज आनंद ने बारवा गाना था रोहित जैन नैना करके जो गाना था उसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक कार ने दिया हुआ था सिंगर थे नितिन गुप्ता तो ये गाने हैं टोटल बारह जिसको यूट्यूब पे ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे फिल्म की कहानी काफी बेसिक रखी हुई थी लेकिन जो फिल्म में आखिर में क्लाइम एक इंटरवल पर ट्विस्ट आता है और क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो अच्छी तरह से सेट किया हुआ था जहाँ पे वो सभी ट्विस्ट फिल्म को बेहतर बनाते फिल्म में फैमिली वैल्यूज दिखाई हुई है जिस तरह से लीड पेयर के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखाई हुई थी जिस तरह से उन दोनों की एक स्टोरी डेवलप की हुई थी वो सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाई हुई थी स्क्रिप्टिंग फिल्म की अच्छी थी डायलॉग बढ़िया थे रोमेंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट के परफॉर्मेंसेज काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस रोल को जस्टिफाई किया हुआ है राजकुमार राव तो पूरी फिल्म में छाए हुए थे जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका एक किरदार

और म्यूज़िक में जिस तरह से एक तड़का था रोमेंस का वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पर क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्शन है उसमें भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलेगा साथ ही में प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा अब रिलीज डेट के ऊपर बातचीत करें दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे करीबन सोलह हज़ार वोट इस फिल्म को मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक ठीक ठाक बिजनेस किया लेकिन जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई तब काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ के बजट के सामने बॉक्स ऑफिस पे बीस करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी लेकिन जब ओ और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल की गई फिल्म को तब इस फिल्म ने एक अच्छा खासा एक का स्टेटस हासिल किया हुआ था जिस वजह से अब फिलहाल में ये फिल्म एक अच्छी खासी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे ली जाती है जहाँ पे शादी में ज़रूर आना फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो सी स्टूडियो वालों ने ख़रीदे हुए थे यानि कि ओटीटी राइट्स टी राइट सी के पास है वहीं पर सैटेलाइट राइट सी सिनेमा के पास है तो शादी में ज़रूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग सब विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन देखने को मिलेगा शादी में जरूर आना नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शादी में जरूर आना फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह शादी में जरूर आना फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है साथ ही में इस फिल्म के ऊपर एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने डीप में जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू